10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सर्कल्स से अपन चलेंगे। आपको बोला है इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मैंने बोला देखो वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि पहले तो एक सर्कल बना लिया और उस सर्कल को बनाने के बाद ऐसा बोल रहे हैं कि ये तो भाई साइक्लिक क्वाड है। मैंने बोला चलो थैंक यू आपने बताया वरना हमको तो पता नहीं चलता कि साइक्लिक क्वाड है, ठीक है ना। वो ए बी सी डी को गिवन के रूप में सबसे पहले बोल रहे हैं कि ए बी सी डी इज व्हाट साइक्लिक क्वाड। ए बी सी डी इज व्हाट साइक्लिक क्वाड, इसका मतलब कहीं ना कहीं एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा, एंगल बी प्लस एंगल डी वो भी कितना होगा 180। सर ए प्लस सी भी 180 और बी प्लस डी भी कितना होगा 180। ये साइक्लिक क्वाड की प्रॉपर्टी होती है। फिर बोल रहे हैं कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर ऑफ सर्कल, अगर मैं बोलूं वो बोल रहा है कि एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स, एसी एंड बीडी आर डायमीटर्स। मैंने बोला ये बोल के भी तूने दिल खुश कर दिया, क्यों? क्योंकि अगर एसी डायमीटर है, अगर एसी क्या है डायमीटर, तो एंगल डी, एंगल डी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आप बोल सकते हो प्रॉपर्टी होती है एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन कोई भी सेमी सर्कल में एंगल बनेगा तो वो 90 बनेगा फर्स्ट। नहीं तो ये समझ लो ए और सी सेंटर पे कितना बना रहे 180। अगर ये सेंटर पे 180 बना रहे हैं तो ये किसी और पॉइंट पे क्या बनाएंगे, उसका आधा। अगर ये सेंटर पे क्या बना रहे हैं 180 तो किसी और पॉइंट पे क्या बनाएंगे आधा। बनने पड़ा था ना एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, सेमी सर्कल में एंगल कितना होता है 90। और यूं भी नहीं समझना तो ये समझ लो सेंटर पे कितना बना रहे 180 तो यहां पे कितना हो जाएगा 90। जैसे ही एंगल डी 90 तो बोल सकता हूं एंगल बी भी क्या हो गया, क्योंकि एंगल डी प्लस एंगल बी कितना है 180 है। और सर वैसे ही आपने क्या बोल के रखा है कि सर बी डी भी क्या है डायमीटर ही है। मैंने बोला हाँ यार बोल के तो रखा है कि बी डी भी क्या है डायमीटर, तो अगर ये डायमीटर है तो वैसे एंगल सी भी क्या हो जाएगा 90, एंगल सी भी क्या हो जाएगा क्योंकि बी डी भी क्या है डायमीटर। तो सर अगर एंगल सी 90 हो गया तो फिर एंगल ए भी क्या हो जाएगा 90। आप लिख सकते हो ब्रैकेट में एंगल इन अ सेमी सर्कल, क्या लिख सकते हो एंगल इन अ सेमी सर्कल। अब सिंस ऑल एंगल्स आर क्या 90, ए बी सी डी इज व्हाट रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड। वो कहीं ना कहीं वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो सर वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन का अर्थात है आपको बोल रहे हैं कि इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम, मतलब अगर मैं बात करूं ये रहा एक ट्रेपेजियम, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, मतलब नॉन पैरेलल कौन कौन सी एडी और बीसी। वो खुद ही बोल रहे हैं भाई एडी इक्वल टू कितना है बीसी, हमने बोला दोनों को ए मान लेते हैं, यहां से ये भी ए यहां से ये भी कितना ए। प्रूव दैट आपको बोल के रखा है इट इज साइक्लिक। साइक्लिक के लिए मतलब क्या, तो प्रूफ में क्या करना है कि टू प्रूव कि ए बी सी डी इज साइक्लिक। अब अगर ए बी सी डी को तुमको साइक्लिक प्रूफ करना है, मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगल को 180 बताना है, एंगल बी प्लस एंगल डी को भी आपको क्या बताना है 180, तो ठीक है ट्राई कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ ट्राई करते हैं। मैं तो कंस्ट्रक्शन बोलूंगा कि कंस्ट्रक्शन लिखो इस क्वेश्चन के लिए कि सर कंस्ट्रक्शन में क्या, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू एडी, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू एडी, सर ये आपकी बी ई बन गई। मैंने बोला हाँ अब आ जाएगा मजा। अब स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं।
सर स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला, हाँ स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप, कैन वी से आपसे कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई। ए बी इज पैरेलल टू व्हाट? डी ई। यस, क्यों? कि पूरी ए बी पैरेलल टू क्या थी? सी डी। तो ए बी वुड बी पैरेलल टू व्हाट? डी ई ऑल्सो। फिर आप क्या बोल सकते हो, क्या ए डी इज पैरेलल टू कितना? डी ई। सर कंस्ट्रक्शन ही यही करा है, हाँ कि ना? तुमने कंस्ट्रक्शन ही तो ये करा है, बी पैरेलल टू व्हाट? ए डी। तो आपने बोला कि ये इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, और ये इसके पैरेलल क्यों है, क्योंकि पूरी ए बी पैरेलल टू क्या थी? पूरी सी डी। तो सर ऐसे में ए बी ई डी क्या बन गया? पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या बन गया? पैरेललोग्राम। सर ठीक है, मतलब बात तो आप सही बोल रहे हो। हाँ सही तो बोलता हूँ, कि अगर अपन बात करें कि आपका ए बी ई डी, और अगर ए बी ई डी पैरेललोग्राम बन गया, सबसे पहले तो बोलूंगा ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू ए। मतलब ये भी क्या हो गई? ये भी क्या हो गई? ए। तो सर ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू व्हाट? ए। अब क्या मजा आएगा, सबसे पहले तो बोलूंगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई is equal to x, opposite angles of what? Parallelogram. Opposite angles of what? Parallelogram. बोलो कोई डाउट तो नहीं आता? सर दूसरी बात ये बोलना चाहूंगा कि ये वाला एंगल ई, मतलब कौन सा? बी ई सी। एंगल कौन सा? बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू वाई, क्योंकि ट्राइंगल्स क्या है? Isosceles. अरे ये ट्राइंगल क्या हो गया? आइसोसेलेस। तो सर अगर ये ट्राइंगल आइसोसेलेस हो गया, ट्राइंगल कौन सा? बी ई सी। ट्राइंगल कौन सा? सर एक बार देख लो बी कहां पे, ये रहा अपना बी। अगर अपन बात करें, ये देखो ट्राइंगल बी ई सी क्या हो गया? आइसोसेलेस। क्यों? ये भी ए है और ये भी क्या है? ए। तो क्योंकि बी ई सी आइसोसेलेस, क्योंकि बी ई सी क्या है? Isosceles. तो अगर ये वाय है तो ये भी क्या हो जाएगा? नाउ घूर के देखो, क्या मैं बोल सकता हूं x plus y is 180, हाँ कि ना? अरे x plus y is what? 180. तो इसका मतलब x का मतलब क्या? x का मतलब एंगल a, और y का मतलब क्या? एंगल c। क्या हो गया? 180। x का मतलब क्या है? एंगल a। y का मतलब क्या है? सी। क्या 180 प्रूफ करना था? यस yes. तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड। सर एक्स प्लस वाई 180 क्यों था? तो एक्स प्लस वाई 180 था क्योंकि वो क्या था? लीनियर पेयर। सर तो 10th के साथ बढ़ेंगे, 9th को छोड़ के 10th के साथ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10th क्या बोलता है? इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, prove that their point of intersection lies on the third side. वो बोल रहे हैं कि देखो भाई, ऐसा वो पूछना चाहते हैं कि अगर एक ये ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल हो सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसा ट्राइंगल है, कैसा भी ट्राइंगल, बोल रहे हैं कि इसको डायमीटर लेके अगर कोई सर्कल ड्रॉ किया गया, मतलब इसको डायमीटर लेके कोई सर्कल ड्रॉ करा गया, मतलब एक ट्राइंगल क्या था? सर ट्राइंगल था ए बी सी, ठीक है। अगर आपने ए बी को डायमीटर लेके सर्कल वन ड्रॉ करा, ठीक है सर, ये बात है। अब आगे क्या, अगर आपने ए सी को डायमीटर लेके एक और सर्कल ड्रॉ करा है, एसी को डायमीटर लेके एक और सर्कल ड्रॉ करा है, तो वो बोलना चाहते हैं कि ये दोनों सर्कल थर्ड साइड मतलब बीसी पे मिलेंगे। हमने बोला देखो भाई, हम आपको समझा सकते हैं कि वो बीसी पे क्यों मिलेंगे। तो टू प्रूफ करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन बीसी।
मैं तो सबसे पहले बोलूंगा भाई देखो ए डी बी, बताओ एंगल एडीबी कितना बनेगा। तो देखो एंगल एडीबी को आप डायरेक्टली लिख सकते हो, वो 90 बनेगा बिकॉज वो एंगल इन अ सेमी सर्कल है। एंगल इन अ क्या है? सेमी सर्कल, क्योंकि ए बी क्या है? डायमीटर। तो अगर ए बी डायमीटर है सेंटर पे कितना बना रहा है? 180। तो आप बोल सकते हो कि एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना? 90। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू कितना? 90। क्यों 90? एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो किसी भी सेमी सर्कल में, किसी भी क्या में, सेमी सर्कल में एंगल कितना बनता है? 90 बनता है। क्यों? क्योंकि सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? 180। तो सेमी सर्कल में कितना बनेगा? 90। सेंटर पे कितना बन रहा है? 180। सेमी सर्कल में कितना बनेगा? 90। कोई मुझसे पूछे सर फिर तो आप बताओ एंगल एडीसी कितना है, मतलब अच्छा एडीसी पूछ रहे हो, ए डी सी, मैं बोलूंगा ये भी 90 क्योंकि एसी भी क्या है? डायमीटर। एंगल ए डी सी भी क्या हो जाएगा? 90, क्योंकि तुम्हारा एसी भी क्या है? डायमीटर। एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन व्हाट? सेमी सर्कल। तो एडीबी भी 90 और एसीबी भी क्या है? 90। क्या तुमको लग रहा है इसका मतलब बीडीसी एक ही लाइन है? क्योंकि दोनों क्या, अगर अपन बोले कि ए डी बी प्लस ए सी, ए डी सी दोनों मिला कितने हो गए? 180। मतलब ये कौन सा एंगल बन गया? स्ट्रेट एंगल। तो सर स्ट्रेट एंगल इसका मतलब बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों मिला के 180 हो गया ना। तो बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स वॉट? डी लाइज ऑन वॉट? बी सी। सर आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस इतना सा बोलना है घुमा घुमा के कि देखो भाई यहां से एक डायमीटर से एक एंगल बनाया तो ये 90 होगा, दूसरा भी डायमीटर है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? 90। वो भी 90, मैं भी 90, तो अपन पूरे कितने हो गए? 180। तो क्योंकि अपन पूरे 180 हो गए तो अपन एक लाइन में ही है, हेंस प्रूव्ड। ABC एंड ADC आर राइट एंगल विथ कॉमन हाइपोटेन्यूस AC, मतलब ठीक है ऐसा ले ले जैसी तुम्हारी इच्छा, कि ये रहा ए बी सी राइट एंगल है बी पे, और यहां से ले ले ए डी सी, तो ये कितना हो गया? अगेन ए बी सी और कितना हो गया? ए डी सी। आपको प्रूफ करना है कि सी ए डी, सी ए डी और सी बी डी इक्वल है। मैंने बोला भाई सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा सर्कल बना रहा हूँ इनके आसपास। सर सर्कल क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरे को एक बात तो मालूम पड़ गई है क्या? ठीक है, अगर एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, एक तो 90 है, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180। अगर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है, अगर एंगल बी प्लस एंगल डी क्या है? 180। तो ये बात जानने की होगी कि ए बी सी डी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180। हाँ कि ना? इसका मतलब ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड क्यों है? क्योंकि उन्होंने बोला तो नहीं सर्कल बनाओ, हमने तो खुद बनाया सर्कल। तो सर ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड इसीलिए है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड अगर मैं आपसे बात करूं अच्छे से और आराम से, इसीलिए है क्योंकि उसके अपोजिट एंगल का सम कितना है? 180। अब पता नहीं क्यों कोई मुझसे बोल रहा है, मेरी तो इच्छा डायरेक्टली बोलने की हो रही है, क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल सी ए डी या एंगल इज इक्वल टू एंगल सी बी डी या एंगल, क्या ये दोनों इक्वल होंगे क्या? हाँ, क्योंकि ये दोनों एंगल सी से शुरू होके डी खत्म हो रहे थे। सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी, क्या इसको अपन एंगल इन अ सेम सेगमेंट बोल सकते हैं क्या? याद करो एंगल ना सेम सेगमेंट कौन सा होते थे? सी से शुरू के
इसमें खत्म होते डीप है, तो ये सी ए डी है और ये क्या है सी बी डी है, तो ये दोनों एंगल सी से शुरू होकर क्या पे खत्म हो रहे हैं डी पे, तो क्योंकि ये दोनों सी से शुरू होकर डी पे खत्म हो रहे हैं इसलिए एंगल है ना सेम सेगमेंट का, क्योंकि एंगल है ना सेम सेगमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी इक्वल। तो सर इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, जितना सा था कि इसको प्रूफ करना कि क्या है साइक्लिक कॉर्ड। एक बार वो साइक्लिक कॉर्ड हो गया तो स्टेप वन क्या प्रूफ करा साइक्लिक कॉर्ड, स्टेप टू क्या बोल दिया कि एंगल है ना सेम सेगमेंट। ठीक है सर, इजी था, मतलब स्टेप वन इज साइक्लिक कॉर्ड, स्टेप टू इज सेम सेगमेंट। सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज है, प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। मैंने बोला ठीक है यार ये प्रूफ कर देते हैं कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या रहेगा आपका रेक्टेंगल। ठीक है ना, मैंने बोला सबसे पहले क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हो क्या सर्कल के अंदर साइक्लिक पैरेललोग्राम है। उन्होंने बोला हाँ, मतलब इतना इजी क्वेश्चन दे रहे हो। सर इजी क्यों है बताओ, आप बताता हूं। सबसे पहले उनसे पूछ, वो बोल रहे हैं ए बी सी डी, पहली बात तो पैरेललोग्राम, इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एक्स, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू वाई। वो खुद ही बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या है एक्स एक्स और ये दोनों क्या है वाई वाई, ये एक्स एक्स और ये दोनों क्या है वाई वाई, एक्स एक्स और कितना वाई वाई। फिर दूसरी बात खुद एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि भाई ए बी सी डी क्या है साइक्लिक कॉर्ड, क्या है साइक्लिक कॉर्ड, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा 180, एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना होगा 180, इसका मतलब एक्स प्लस एक्स 180, y प्लस y 180 का मतलब 2x is equal to 180 या x is equal to 90 और शायद y is equal to भी कितना हो जाएगा। ओए ओए ओए, ये सारे एंगल आपस में क्या हो गए 90 के, सारे एंगल 90 हो गए, तो अपन बोल सकते हैं क्या a e c e is what rectangle, hence proved। सर करना क्या था, ये स्टेप वन है और बस ये स्टेप टू है। सर क्या डाउट बताओगे, हाँ क्यों नहीं,